Come on, everybody. Let's start the shoot. Sonia, beautiful dress. Okay. All right, guys, jaldi set up change karo. BP. Hey. Itna sundar chehra hai. तुम्हें तो कैमरा के सामने होना चाहिए था, पीछे क्या? Really? दीप्ति, एक मिनट। दीप्ति ये सारा ठीक है ना? दीप्ति, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मेहनती भी बहुत हो, लेकिन अपने रास्ते से भटक मत जाना, भूल मत जाना कि आर्यन मेरा हस्बैंड है। यस मैम। कितनी अच्छी है ना हमारी सोनिया मैम। हाँ, पता नहीं क्यों इस या कम ऑन स्माइल प्लेबॉय शादी क्यों कर ली मैम ने। मैम ये आपके लिए। या थैंक यू सोनिया। सोनिया पहले शूट कर ले। Okay. Yeah, come on, smile. Lovely, lovely, Sonia, beautiful. I didn't know. शायद वहां कोई है। कोई भी तो नहीं है। चलो लौट ले। Yeah, beautiful. Yes. आर्यन देखो ना, कोई तो है वहां पर। Are you serious? Yeah. कोई नहीं है। Can we shoot? Yeah. Okay. फैन किसने चलाया? किसी ने नहीं सर। म्यूजिक ऑफ। सब लोग 10 मिनट का ब्रेक लो। आर्यन ये तो ब्लड है ना? ब्लड नहीं नहीं, आई बिलीव वो ब्लोअर चला था तो उसकी वजह से तुम्हारा जूस का ग्लास गिर गया। सोनिया दिस इज अमेजिंग। व्हाई व्हाट इज इट? योर कवर। हाँ हीरो, इस कवर पे तुम्हारी पिक्चर का मतलब है। यू आर द टॉप मॉडल ऑफ द कंट्री नाउ। आई एम सो 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 हैप्पी। थैंक यू बेबी। दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन नाउ। गाइस वेयर आर यू? एवरीबॉडी क्लैप फॉर सोनिया यार। सेलिब्रेशन शैंपेन। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस।
मेरी वाइफ सोनिया और इंडिया की टॉप मॉडल के लिए। को क्या हो रहा है? अरे बहुत जल रहा है अरुण, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। कोई डॉक्टर को बुलाओ, वो साथ में। अरे तुम्हें कोई आवाज नहीं आएगी? अरुण कोई है यहाँ पे? सोनिया कोई आवाज नहीं आ रही है, प्लीज रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अरे वो देखो, वो देखो, कोई जा रहा है? सोनिया कोई नहीं यहाँ पे। अरे कोई है देखो ना, देखो। सोनिया कोई नहीं यहाँ पे। कोई है? सोनिया, 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 इट्स मी। कैसी हो तुम? बेटा, पर आर्यन, कल जो कुछ भी हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे वो शैंपेन की बोतल खोलनी नहीं चाहिए थी, पता नहीं क्या था उसमें। देखो ना, क्या हो गया? आर्यन, बात वो नहीं है, पर वो आवाजें। मैं भी तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूं। सोनिया, सोनिया वहां कोई आवाजें नहीं थी। सब कुछ इतना अचानक से हुआ ना, तुम सहम गई हो, तुम्हारा वहम है ये। आई होप सो। पर आर्यन, आर्यन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना यहाँ पे। तुम एक काम करो, आज आराम करो। एक्चुअली मेरा जाना जरूरी है, वो मॉडल की डेट एक महीने तक मिलेगी नहीं, तो अदरवाइज मैं कैंसिल कर देता। नहीं, दैट्स ओके। एक्चुअली मैं भी अपनी शूट कैंसिल नहीं कर सकती, लोगों ने बहुत एक्सपेंसिव रिसॉर्ट बुक कराया है खासकर इस शूट के लिए, और वैसे भी घर रहूंगी तो पता नहीं दिमाग में क्या क्या हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट बेबी, यू गेट रेडी। ओके, मैं वहां जाके तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके आर्यन, लव यू, लव यू टू। चल बेबी, गॉट टू गो। Take care. Bye. Bye. Hello. Hello. Oh!
सोनिया कहाँ हो, इतनी देर से फोन नहीं उठा रही? Are you okay? मैं ठीक हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे फोन करना। Yeah, baby. I'm all fine. मैं actually अभी निकल ही रही थी शूट के लिए। I'm fine. All right, baby. Love you. Bye. Yeah. आर्यन, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? हाँ वो मुझे लगा थोड़ी देर के लिए शायद घर जाना होगा। No ways. आज सिर्फ तुम और मैं और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैडम जी ये आपके लिए। किसने दिया? ये आर्यन सर ने भेजे आपके लिए। ओह हाँ, थैंक यू। जी राजेश क्या हुआ? अरे वो लाइट का, लाइट फटाफट भेज वहां पे। और जनरेटर? अरे यार जनरेटर अभी चाहिए, तुरंत इसी वक्त। तीन रूम और मिलेंगे क्या? अरे यार मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैनेजर से बात कर रहा हूँ। हाँ मैनेजर। पॉसिबल नहीं सर, रिसोर्ट पूरा भरा हुआ है। अरे मैनेजर साहब कुछ तो करिए, आप कर सकते हैं। चांस ही नहीं सर, यहाँ तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं खुद ही कर देता। वो पूरा फर्स्ट फ्लोर तो आपको दे दिया, वो सेकंड फ्लोर पूरा ऑक्यूपाइड है सर। थर्ड फ्लोर क्या हुआ? सर थर्ड फ्लोर तो यहाँ है नहीं, हमारे रिसोर्ट में सिर्फ दो ही फ्लोर है।
अरे हेलो, हाँ कैमरे का हो गया क्या? अरे यार फटाफट करो, कैमरा है क्या आपके पास? सर कैमरा यहाँ? ओह सॉरी सॉरी, हाँ भाई रूम का हुआ क्या? अरे यार तुमसे नहीं, मैं किसी और से बात कर रहा हूँ मैनेजर साहब से, जस्ट एक मिनट। सोनिया मैम का रूम हो गया क्या? बिल्कुल रेडी है सर। सर 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 जल्दी आइए। सर वो देखिए क्या हुआ मैडम, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपका? गाड़ी में कोई, सारी चोटें कैसे लगी मैम? गाड़ी में कोई था। आप आइए आइए, मुझे घर जाना है। ठीक है अभी अभी गाड़ी मंगवा रहे हैं, आप आइए चलिए जल्दी से रूम की व्यवस्था करो तुम फटाफट। सुषमा मैम को जल्दी से रूम के अंदर लेके जाओ, मुझे घर जाना है। गाड़ी आ रही मैम, प्लीज प्लीज आप समझने की कोशिश करिए, मैं हूँ ना। चले जाना, पहले अपने रूम में तो चलिए। सुषमा मैम संभालिए। सुषमा तुम ना प्रोडक्शन वाले को बोलो कि मुझे ना अभी जाना है। हाँ बोलती हूँ मैम, आप बैठिए प्लीज। प्लीज तुम एक काम करो, तुम ना उसको वो फोन करो, तुम उसको कहो कि मुझे ठीक है मैम, मैं देखती हूँ मैं कॉल करता हूँ। फोन करो उसको। मैम फोन नहीं लग रहा। तो जाओ और जाओ उसको जाके बोल कर आओ। ठीक है मैम मैं देखती हूँ क्या हुआ। Thank you.
Just a second. जरूरी है. हेलो आर्यन, आर्यन मैं रिसॉर्ट पे हूँ. प्लीज जल्दी आओ, जल्दी आके मुझे ले जाओ. आर्यन मेरी गाड़ी, मेरे सारा सामान चले गया. क्या आर्यन वो वापस आ गई? आर्यन मार डालेंगे. सोनिया कौन वापस आ गई है? हेलो 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 आर्यन, सोनिया मैम क्या हुआ? ये आपके लिए. भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ रूम नंबर 343 में. आर्यन, आर्यन रिसॉर्ट में ही है. उसने मुझे बताया क्यों नहीं? आर्यन, 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 ये क्या हो रहा है? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम, मैंने कुछ नहीं किया मैम. Ugh.
सर बहुत कम है ये तो। अरे यार कम है का क्या मतलब है, पूरी शूटिंग कैंसिल हो गई है, प्रोड्यूसर साहब का कितना नुकसान हुआ पता है ना? अरे वो तो आपके साथ उसने मुझे एक नोट दिया कि आर्यन मुझे रूम नंबर 343 में बुला रहे हैं। मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पे कोई 343 रूम है ही नहीं मैडम। सही कह रहा, इस रिसोर्ट में कोई थर्ड फ्लोर तो है ही नहीं। तुम पागल हो गए हो? लगता है पैनिक अटैक आया है। और ये इतनी सारी चोटें इन्हें कहां से लगी? यू नो ये कोई मामूली चोटें नहीं है। पता नहीं डॉक्टर साहब, जब से यहाँ पे आई है बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें हो रही इनके साथ, और बहुत अजीब बातें भी कह रही हैं। कोई आत्मा इनके पीछे पड़ी है। What nonsense you are talking about? आज के वक्त में आप ऐसी बातें करते हैं? आपने इनके घर में किसी को इन्फॉर्म किया है या नहीं? जी हाँ कर दिया है। मैम प्लीज अपना ऑटोग्राफ दीजिए ना। Thank you, ma'am. Thank सोनिया क्या हुआ तुम्हें? कौन मार देगी तुम्हें? ये देखो क्या है सोनिया? कुछ भी तो नहीं है। नहीं आर्यन, उसने अभी अपना नाम लिखा था। सोनिया ये सब तुम्हारा वहम है बस। मेरा वहम नहीं है, ये देखो ये क्या किया है, ये सब देखो, वो मुझे मार देगी। कौन मार देगी तुम्हें? स्टेला मैम। स्टेला? सोनिया क्या मजाक है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। स्टेला मैम वो यही कही है। वो मार देगी, मार देगी। लकी हूं मैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की आज मेरे साथ है। वेल सर शॉट रेडी है मैम, चले? मैम नहीं, स्टेला कहो। नो वेज मैम, आप इतनी सक्सेसफुल और फेमस है कि आपको तो नाम से कोई नहीं बुला सकता, आपकी सबसे बड़ी फैन भी नहीं। सीरियसली मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। और एक दिन मैं आपके जैसी बनना चाहती हूं। मैं कभी उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, वो तो मेरी फेवरेट थी, मेरी आइडल, मेरी इंस्पिरेशन।
रात याद है जब फोटोशूट के दौरान उन्होंने हमें साथ देखा था? Hey, Stella. हाथ मत लगाओ मुझे, मैं जानती हूँ तुम्हारी नजर सोनिया पर है। तुम सुधर जाओ, मैं तुम्हें कब से ये सब करते हुए देखते आ रही हूँ। स्टेला बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। डोंट टच मी, मैं सब जानती हूँ तुम्हारी लाइफ में कितनी लड़कियां हैं, और अब ये सोनिया। सोनिया मेरी असिस्टेंट है। सोनिया अच्छी लड़की है, समझे तुम? तुम्हारी तरह नहीं है वो। फिर उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मैम दवाई ले लीजिए। बैठे बैठे आँख लग गई थी, सर में बहुत दर्द है। आप दवाई ले लीजिए। नहीं, मुझे दवाई नहीं लेनी। मैम आप दवाई लेंगी तो आपके सारे दर्द ठीक हो जाएंगे, लीजिए। सोनिया जी। मैम एक बात बताओ, तुम और आर्यन। नहीं मैम, आप जैसा सोच रही है वैसी कोई बात नहीं है, एटलीस्ट मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। मैम मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और एक दिन आपकी जैसी बनना चाहती हूँ। तुम भी ना सोनिया। तुमने क्या किया? मैम ये तुमने मुझे क्या पिला दिया? मैम मैम क्या फेम के लिए और मेरे बॉयफ्रेंड के लिए तुमने ये क्या किया? मैम आप गलत समझ रही हैं। मैम चलो चलो मैम चलो। क्या हुआ इसे? उस दिन मुझसे जो कुछ भी गलती हुई ना, शायद स्टेला मैम उसी के लिए मुझसे बदला लेना चाहती है। सोनिया होश में आओ, स्टेला की मौत एक एक्सीडेंट है, मेडिसिन रिएक्शन की वजह से उसकी मौत हुई है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं उस गिल के साथ नहीं जी सकती। बस अब और नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? आर्यन मैं पुलिस के पास जाऊंगी और मैं सरेंडर कर दूंगी। पागल तो नहीं हो गया? नहीं आर्यन, ये काम ना मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने रोक दिया। लेकिन अब नहीं, मैं जाऊंगी और मैं सरेंडर कर दूंगी। अपने इमोशंस को कंट्रोल में करो। अगर तुम पुलिस के पास गई तो वो लोग समझेंगे कि तुमने पहले झूठ बोला था और तुम ही मर्डर हो। जो करना करे, केस खोले, इन्वेस्टिगेट करे, और अगर उन्हें लगता है ना कि गलती मेरी थी तो ठीक है, मुझे सजा भी दे दे। लेकिन शायद स्टेला मैम ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो इंसाफ चाहती है। मैं नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। तुम कहीं नहीं जा सकती, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा जैसे मैंने स्टेला को मारा था। स्टेला मैम ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो इंसाफ चाहती है। मैं नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूं पुलिस के पास। तुम कहीं नहीं जा सकती, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा जैसे मैंने स्टेला को मारा था। क्या स्टेला मैम को? स्टेला मैम को तुमने मारा? और मैं
घर पे हमेशा ये सोचती रही कि मैंने हाँ स्टेला की मेडिसिंस मेरे ही बदले थी। तुम सोचती रही कि तुमने उसे मारा। पर क्यों? वो तो तुमसे बहुत प्यार करती थी। प्यार? वो मुझे बदलना चाहती थी, एक ऐसे इंसान में जिसे वो प्यार कर सके। अगर तुम नहीं सुधरे ना तो मैं तुम्हारा करियर, लाइफ सब कुछ खत्म कर दूंगी। तुम ये जो आज बहुत कैसिनोवा बन के घूम रहे हो ना, ये सब मेरे पैसे से उड़ रहे हो तुम, ये मत भूलो। इससे पहले कि वो मुझे बदलती, मेरा करियर बर्बाद करती, मैंने उसे मार दिया। स्टेला को लगा कि तुमने उसे मार दिया। तुम्हारा दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, तुम खुद को हार्म करने लग गई हो। सोनिया डोंट वरी, तुम्हें हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन तुम पुलिस स्टेशन नहीं जा रही। ओके? गई स्टेला, मर गई स्टेला। माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब सब ठीक हो जाएगा।